खबर का आगाज से जहां न्यायालय परिसर करेरा में दिनांक 14 मई 2022 को कोविड 19 के दिशा निर्देशों पालन करते हुए मेगा लोक अदालत का समारोह में शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति और अपर जिला न्यायाधीश संदीप कुमार श्रीवास्तव ने मां सरस्वती पर माल्यार्पण कर विवाद विहीन विश्व की कामना के जनक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर लोक अदालत के मंच को विवाद के अंतिम समाधान का केंद्र बताया। लोक अदालत के आयोजन पर सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम योगी ने सरस्वती वंदना का गायन कर वातावरण को सुमधुर बनाया। न्यायालय करेरा में कुल 6 खंडपीठ गठित की गई, जिसमें 2 खंडपीठ जिला न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश संदीप कुमार श्रीवास्तव और द्वितीय जिला न्यायाधीश डीएल सोनिया और 4 खंडपीठ व्यवहार न्यायालय एमके वर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड श्री कृष्ण बुखारिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड श्रीमती कमला गौतम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सुश्री मोनिका यादव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की खंडपीठ गठित होकर उक्त खंडपीठों में कुल 595 प्रकरण रखे गए, जिनमें से अंतिम रूप से समाचार लिखे जाने तक 115 प्रकरण निराकृत हुए। विद्युत प्रकरणों के लिए पृथक से खंडपीठ गठित की गई। इस अवसर पर अभिभाषक रामचरण तिवारी, पीडी गुप्ता, अशोक जैन, धनंजय पाठक, गिरीश गोयल, अभिषेक लाहारी इत्यादि अभिभाषक के साथ साथ न्यायालय के कर्मचारीगण और समाजसेवी श्री घनश्याम योगी, पैरालीगल वॉलंटियर नवल लोधी, अनिल राय, सिमरन गुप्ता, नम्रता गुप्ता उपस्थित रहे। हार पहनाकर सदैव के लिए एक हुए पति पत्नी झांसी निवासी राम सेवक का विवाह करेरा निवासी मधु से 2014 में होकर विवाह पश्चात उनके मध्य आपसी विवाद और घरेलू कलह के चलते मामला न्याय तक पहुंच गया था। पति पत्नी के मध्य विवाद बढ़ने से दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तलाक का प्रकरण संसिद्ध किया था। खंडपीठ क्रमांक 14 के न्यायाधीश संदीप कुमार श्रीवास्तव की समझाइश और दोनों पक्षों के अभिभाषक के श्रीवास्तव और सुनील त्रिपाठी के प्रयास के पश्चात लोक अदालत में उभय पक्ष के मध्य विवाद समाप्त होकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे को हार पहनाकर उनके द्वारा 8 वर्ष पुराने विवाद का अंतिम निराकरण किया। वहीं एडवोकेट राजीव भार्गव ने लोक अदालत को असफल बताया लगाए विद्युत विभाग पर गलत प्रकरण बनाने के आरोप। करेरा से संजय गुप्ता, बलैया की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है और आपकी क्या समस्या है? आप इधर अदालत में, लोक अदालत में आए हैं, क्या समस्या है आप बताएं? सर, मैं ठाठी से आया हूँ और सर मुझे 1.5 साल हो गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मेरी मोटर चक्की उठा लाए और कम से कम 5 साल की मेरी मोटर चक्की बंद थी और बिल था दमों पर 1.5 लाख को बना गया। मैं गरीब मानस, विकलांग मानस, सर मैं कहाँ से बांधता हूँ? आज क्या हुआ लोक अदालत में आपके साथ? आपका प्रकरण निपटा निपटा? नहीं निपटा सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं आया हूँ, जैसा ही बैठा हूँ सर। हाँ, वकील साहब ने बुलाया था उसमें। हाँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर तकसी है, तकसी ठाठी। तो आपके ऊपर क्या दूसरा प्रकरण बनाया है क्या? हाँ सर। क्या है आपका कहना? मेरा नाम तकसी है सर। आपके ऊपर विद्युत विभाग ने प्रकरण बनाया है, वो क्या है आपका बताएं? सर झूठो बनाया है। कैसा? कम से कम बिजली मुझे दही नहीं है और चलाते चलाते कम से कम 3 साल में बिल के नगोरे लाचारी करी, मेरी डीपी नहीं रखी, मेरी मोटर उठा लाए सर। हाँ हाँ, और परेशान है मेरे, इतने कागज धरे हैं, मैंने रुपया भी 30,000 भर हुए थे सर, जिनके पास रसीद है, रसीद भी मैंने जिन्हें दे दी थी, मैंने साहब 30,000 भरो, मेरी कोई सुनवाई भी नहीं भाई, 30,000 की रसीद मेरे पास आज धरी है सर, जिनमें से 4,000 रुपया बकाया रह गए थे, मैं वह कह रहा हूँ 4,000 और 4 के 1.5 लाख दत्ता है सर बना के। आपका नाम क्या है? आज लोक अदालत लगी थी तो इसमें कितने प्रकरण निपटे, क्या है मतलब मैटर थोड़ा बताएं संक्षेप में। आज लोक अदालत का जो आयोजन हुआ है वो करीब करीब पिछले की भांति असफल रहा है। बिजली वालों द्वारा मौके पे जाए बगैर फर्जी प्रकरण बनाए जाते हैं, ग्रामीण जनता काफ़ी परेशान है, राज्य सरकार बिजली के बिल माफ़ कर रही है और ये लोग गलत तरीके से प्रकरण बना के और न्यायालय के आड़ में वसूली का प्रयास करते हैं। आगे यदि इस तरीके की कार्रवाई की गई तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए इनके खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने हेतु कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्या विद्युत विभाग में रहता है और ये बैंक वगैरह और भी जो लोग और भी लगे हमें भी यह चल रहा है ऐसा कि नहीं, बैंक का ऐसा नहीं है, ये केवल बिजली विभाग का ही है और दूसरे मामले तो जो भी हैं वो पक्षकारों की सहमति के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका नाम? मैं राजीव भार्गव एडवोकेट हूँ। पिछली बार भी इस तरह की कार्रवाइयों में मैंने भाग लिया
लेकिन विद्युत विभाग द्वारा लगातार फर्जीवाड़ा किए जाने के कारण 14/5/2022 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। ये नेशनल लोक अदालत हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। हमारे करेरा में कुल 6 खंडपीठ निर्मित की गई है, जिसमें 2 हमारे जिला न्यायाधीश महोदय की है और 4 हमारे मजिस्ट्रेट साहबान की खंडपीठ की गई। इसमें विभिन्न तरह के प्रकरण लोक अदालत में राजीनामा के लिए रखे गए थे, जो अभी तक की स्थिति है प्रकरणों के निराकरण की, उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के MSET के मामले कुल 5 निराकृत हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के 40 मामलों का निराकरण हो चुका है, HMA के 7 प्रकरण निराकृत हुए हैं। 7 में से जो प्रथम जिला न्यायाधीश अर्थात मेरे न्यायालय से जो निराकृत हुए, उनमें 2 मामलों में धारा 9 के अंतर्गत 2 युगल लोगों के विवाद को उनके पारिवारिक बैलेंस को समझौता कराकर उन्हें रहने के लिए वापस भेजा गया है और वो खुशी खुशी अपने घर वापस गए हैं। इसके अतिरिक्त नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 14 केस और दांडिक प्रकरण जो हमारे यहाँ 55 केस, MJC के 5 और सिविल केसेस 7 निराकृत हो चुके हैं। अभी इन केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लोक अदालत के हमारे भी जो समय बाकी है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे प्रकरणों की मुझे उम्मीद है।